It's my style. Get! What? Put dispenser. इतनी गर्मी जहाँ कुछ करने का मन नहीं करता, वहाँ मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है पंखा बंद करके, और वो भी तब जब चैनल डेड होता जा रहा है। वाह, ए प्रभु, तेरी लीला अपरंपार है। खैर, यही जिंदगी है यार। कितनी गर्मी हो रही है, आहा। अबे पागल है क्या तू? मर्द को कभी गर्मी नहीं लगती। ये देख मैंने शर्ट भी उतार दिया। ये देख, मैं तो पैंट भी उतार देता हूँ। कभी कभी लगता है अपनी जो भगवान है। हाँ भाई, आगे स्वाद। मर्द को कभी गर्मी नहीं लगती। एक्सक्यूज मी, हेलो। आज बात होगी आपके हाई डिमांडेड वीडियोस की, बड़ी टॉयलेट की। तो अपने टॉयलेट को मारो फ्लश। और अरे बाप रे, स्किबिडी टॉयलेट्स बहुत ही अजीब क्रिएचर्स हैं, जिनकी ओरिजिन अभी तक रिवील नहीं की गई है। इसीलिए हमें नहीं पता कि ये कौन है और कहां से आए हैं। ऑल वी नो इज दैट कि ये बहुत वेरिएशंस के होते हैं और सबकी पावर्स अलग है। ये सब बस एक ही गाना बार बार दोहराते हैं और इनका मेन मोटिव है इंसानों को खत्म करना। सबसे पहले हमें दिखाए गए थे ये तीन, जो कि है पिसोर्स किबिडी, और सबसे कमजोर भी यही है। फिर अगले शॉट में हमें नॉर्मल किबिडी टॉयलेट्स देखने को मिले। ये सेना टॉयलेट्स हैं, जो कि ग्रुप में होते हैं और सबसे पहले मरते हैं। और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि पुलिस टॉयलेट्स, बग टॉयलेट्स और होली टॉयलेट। बट इफ वी टॉक अबाउट द मोस्ट पावरफुल वंस, तो वो है फ्लाइंग टॉयलेट, स्पाइडर टॉयलेट, रॉकेट टॉयलेट और उनका मेन लीडर जी मैन काइंड ऑफ उनका प्रेसिडेंट है, जिसके इशारे पे सब चलते हैं। और जी मैन इतना पावरफुल है कि अपने लेजर से किसी को भी खत्म कर सकता है, जस्ट लाइक होमलैंडर। और तो और, ये एक लौता टॉयलेट है जिसे फ्लश के सहारे भी रोका नहीं जा सकता। मुझे जी मैन बहुत पसंद है और मैं चाहूंगा उसकी और तबाही देखना। टू बी ऑनेस्ट, ये एक फुद्दू कार्टून शॉर्ट्स होने के बावजूद इनमें कुछ तो ऐसा है जो इन्हें दोबारा देखने में मजबूर करती है, और व्यूज ही इसका प्राइम एग्जाम्पल है। सीजन 1 एपिसोड 4 में स्किबिडी टॉयलेट्स अटैक करते हैं एक बड़े रेस्टोरेंट में, जहां बड़े बड़े लोग थे, और अगले ही एपिसोड में ये पूरी दुनिया में फैलने लगे और ये बन गया एक नेशनल इशू। जी मैन हमें अचानक एक ग्राउंड में दिखाई दिया था, और उसके बाद हम इन्हें पूरी दुनिया में फैलते देखते हैं, जहां इनका पाला पड़ता है कुछ ऐसे लोगों से जिनके सर पर कैमरास है। अब ये लोग कौन है हमें नहीं पता, बट टॉयलेट्स जैसे ही ये भी कई साइजेस में आते हैं, और इनका काम है स्किबिडी टॉयलेट्स को खत्म करना। I personally assume कि शायद इंसानों ने ही इन्हें बनाया है और ये सब रोबोट्स हैं, और जिनके सर पर रेडियो है वो इसीलिए ताकि ये स्किबिडी टॉप 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 यस यस गाने को कंट्रोल कर पाए और उसकी नॉइज को अंदर ना ले पाए। होली टॉयलेट एक जायंट क्रिएचर चर्च में अपने बंदों को जंग के लिए मोटिवेट कर रहा था, तभी कैमरामैन ने वहां छापा मारा और एक बंदा खोने के बावजूद वो जीत गए। सीजन 4 में जी मैन दोबारा दिखाई देता है, जो अपने लेजर से सबको खत्म कर देता है, हमें भी। हालात को देखकर इन कैमरामैन ने बनाया स्पाइडर, पर वो भी फ्लाइंग टॉयलेट के सामने कुछ खास टिक नहीं पाए, हालांकि दो जाबाज कैमरामैन ने फ्लश कर दिया। एक टॉयलेट में कैमरा सेट कर उसे भेजा गया, जहां अचानक एक ब्लास्ट के साथ फुटेज खत्म होता है। जब पूरी दुनिया में स्किबिडी टॉयलेट्स फैल गए, तो एक दिन जी मैन ने एक बड़ी मीटिंग रखी अपने सेनाओं के साथ, और फिर क्या हुआ आप खुद ही देख लो।
जंग के दौरान एक बार जीमैन का पाला पड़ा टाइटन कैमरामैन के साथ और उसे वहां से भगाने में वो कामयाब हो गया, जिसके बाद हमारे लौड़े लग गए। इसने मुंह खोला कि नहीं? नहीं सर। जीमैन कहाँ है? खत्म करो सालों को। सर, ओए, क्या हुआ? ओए, 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 नहीं, 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 नहीं। नेक्स्ट डे दो कैमरामैन को भेजा गया जीमैन को फ्लश करने के लिए, क्योंकि मे बी फ्लश करने से दे आर डेड, बट वो जीमैन है भाई, जीमैन। अरे 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 बाप रे, इतने सारे सर, रावण हो गया ये ले। शॉट नंबर 23 में स्किबिडीबी टॉयलेट्स ने अटैक किया कैमरामैन के बेस पर, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वहां कौन सा बाप बैठा है। चलो हाइट कंपैरिजन करते हैं। सबसे छोटा है पैरासाइट्स की बीबी टॉयलेट, फिर आता है पिसोय टॉयलेट, फिर आता है स्पाई यानी जासूस टॉयलेट, उसके बाद नॉर्मल टॉयलेट, पुलिस टॉयलेट, फिर साइबर टॉयलेट, फिर आता है टॉयलेट ड्राइवर, सीसीटीवी लेडी। अब आप बोलोगे कि ये कहां से आई लिस्ट में? ये लिस्ट तो स्किबिडीबी टॉयलेट्स के लिए था। दरअसल मैं सारे कैरेक्टर्स का हाइट चेक कर रहा हूँ, जहाँ हीरोज और विलेंस दोनों शामिल हैं। तो सीसीटीवी लेडी के बाद आया सीसीटीवी मैन, फिर कैमरामैन, एंड गेस व्हाट, कैमरामैन नेवर डाइज। डीजे टॉयलेट कैमरामैन से बड़ा है, और उससे भी बड़ा है स्पाइडर टॉयलेट, जिसको मुंह तोड़ जवाब देता है स्पाइडर कैमरा, और स्किबिडीबी डॉप 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 यस यस गाना को काउंटर करता है स्पाइडर वॉपर अपने तेज साउंड बॉक्स से। फिर आता है बिग टॉयलेट, जो कि बहुत बड़ा हरामी है, जस्ट लुक एट हिम। केमो टॉयलेट इज समवन जो मुझे कीड़ा चैट की याद दिलाता है, और उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ट्रिपलेट टॉयलेट्स, बट तीन तिगारा काम बिगारा। वॉफर मैन एक लंबा चौड़ा जायंट जो पटक पटक की पेलता है टॉयलेट्स को। अब जब पुलिस टॉयलेट ला ही दिया तो चोर टॉयलेट भी तो होना ही चाहिए ना। बात सही है। सबसे मस्त लगा हमें स्पीकर टाइटन, इसकी खासियत ये है कि ससुरवा उर के मारते हैं और दुश्मन के छक्के छुड़ा देते हैं, पर क्या हो जब दो पैरासाइट कंट्रोल कर लेते हैं इतने बड़े सेना को। नहीं नहीं नहीं, कैमरा मैन नहीं। फिलहाल टॉयलेट्स में तो अभी तक सबसे बड़ा है जी मैन, जो कि उनका बाप है, लेकिन उससे भी बड़ा है कैमरा टाइटन, शाबाश। बट ये लिस्ट काफी ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, क्योंकि हर एपिसोड के साथ कोई ना कोई नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होते जा रहा है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। अगर पार्ट 2 चाहिए तो अपने 5 दोस्तों को ये वीडियो शेयर करो, करना जरूर।